9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार कई सीटों पर अनोखी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां एक ही नाम वाले कई उम्मीदवार मैदान में हैं। ये दिलचस्प है और भ्रमित करने वाला भी है। ये नजारा राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दिख रहा है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये महज संजोग नहीं है, बल्कि कुछ हद तक रणनीतिक चाल भी हो सकती है, जो विरोधियों के वोट बैंक को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपनाई गई है। एक समान नाम वाले उम्मीदवारों का असर महाराष्ट्र में चुनावी सीजन में नामांकन के दौरान 8,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिनमें से 7,994 के नामांकन सही पाए गए हैं। राज्य में एक चरण में होने वाले इस चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को निर्धारित किया गया है, लेकिन इस बार का चुनाव न सिर्फ उम्मीदवारों के बीच बल्कि उनके नामों की समानता के कारण भी खास बन गया है। पुणे जिले की पार्वती विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की माधुरी मिसाल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अश्विनी कदम के बीच मुख्य मुकाबला है। यहाँ की खास बात यह है कि अश्विनी कदम नाम की दो अन्य महिलाएं भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, जिनमें अश्विनी खैरनार और एक अन्य अश्विनी कदम शामिल है। इस प्रकार इस सीट पर 3 अश्विनी नाम की महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। इस प्रकार जलगांव जिले की मुक्ताई नगर सीट पर एनसीपी की रोहिणी एकनाथ खड़से का मुकाबला शिवसेना सिंधे गुट के चंद्रकांत पाटिल से है। इसके अलावा 2 अन्य निर्दलीय महिलाएं प्रत्याशी भी रोहिणी नाम से मैदान में हैं। रोहिणी पंडित खड़से और रोहिणी गोकुल खड़से, जो स्थानीय नहीं है और अन्य जिलों से है। ये नाम समानता मतदाताओं को भ्रमित कर सकती है और ऐसे में वोटर्स को बेहद सावधानी से वोट देना होगा, ताकि वे अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को भी वोट कर सके। सांगली जिले की तासगांव कवथे महांकल विधानसभा सीट पर एनसीपी के 2 गुटों के बीच मुख्य मुकाबला है। यह एनसीपी अजीत पवार गुट के संजय काका पाटिल और शरद पवार गुट के रोहित पाटिल आमने सामने है। हालांकि रोहित पाटिल नाम से 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, जिनमें रोहित राव साहेब पाटिल, रोहित राजगोंडा पाटिल और रोहित राजेंद्र पाटिल शामिल हैं। साथ ही संजय पाटिल नाम का एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है। इस सीट पर 4 रोहित पाटिल और 2 संजय पाटिल मैदान में हैं, जो चुनाव को बेहद दिलचस्प और कांटेका बना रहे हैं। इस्लामपुर और इंदापुर सीट पर भी समान नाम वाले उम्मीदवारों की टक्कर सांगली जिले की इस्लामपुर सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। या एनसीपी शरद पवार के जयंत पाटिल और एनसीपी अजीत पवार के निशिकांत पाटिल के बीच आमने सामने की टक्कर है। जयंत पाटिल के मुकाबले में 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जिनका नाम भी जतिन जयंत पाटिल है। एक का पूरा नाम जयंत राजाराम पाटिल है और दूसरे का जयंत रामचंद्र पाटिल। इसी तरह निशिकांत नाम के अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं, जिनमें निशिकांत प्रहलाद पाटिल और निशिकांत निर्दलीय शामिल हैं। इन प्रत्याशियों के एक जैसे नामों में मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुणे जिले की इंदापुर विधानसभा सीट पर भी कई समान नाम वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ हर्षवर्धन पाटिल और दत्तात्रेय भरणे नाम के 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। एनसीपी अजीत पवार गुट के दत्तात्रेय भरणे के खिलाफ शरद पवार गुट से हर्षवर्धन पाटिल और इन दोनों नामों से मिलते जुलते कई अन्य उम्मीदवार भी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे मतदाताओं को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को पहचानने में परेशानी हो सकती है। दापोली सीट पर कदमों की टक्कर, जी हाँ, रत्नागिरी जिले की दापोली सीट पर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 3 का नाम योगेश कदम और 3 का नाम संजय कदम है। शिवसेना सिंधे गुट की ओर से योगेश कदम मैदान में हैं, जबकि उद्धव ठाकरे गुट से संजय कदम चुनावी मैदान में हैं। अब इनके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जिनके नाम क्रमशः योगेश कदम और संजय कदम है। अब इस सीट पर कदमों की ये टक्कर मतदाताओं के लिए भ्रमित करने वाली हो सकती है। कोरेगांव और करजत जामखेड़ा सीट पर भी समान नाम वाले उम्मीदवार, सतारा जिले की कोरेगांव विधानसभा सीट पर महेश शिंदे नाम के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहाँ शिंदे गुट के महेश शिंदे का मुकाबला शरद पवार गुट के शशिकांत शिंदे से है। इस सीट पर शशिकांत शिंदे नाम के 3 अलग अलग उम्मीदवार भी निर्दलीय मैदान में हैं। इस तरह महेश शिंदे नाम के 4 उम्मीदवार हैं। अहमदनगर जिले की करजत जामखेड़ सीट पर बीजेपी के राम शिंदे का मुकाबला एनसीपी शरद पवार गुट के रोहित पवार से है, जो शरद पवार परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। लेकिन यहाँ रोहित पवार और राम शिंदे नाम के 2 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इस प्रकार इस सीट पर भी रोहित पवार और राम शिंदे नाम के कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। समान नाम के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के कारण समान नाम वाले उम्मीदवारों के चुनाव में उतरने के पीछे का कारण विभिन्न प्रकार की रणनीति हो सकती है। राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदियों को वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। एक ही नाम वाले कई उम्मीदवारों के होने से मतदाता भ्रमित हो सकते हैं और गलती से अपने प्रत्याशी की बजाय किसी और को वोट दे सकते हैं। ये रणनीति विरोधी दल के उम्मीदवारों के संभावित वोटों में सेंध लगाने का काम कर सकती है। इस प्रकार के मामलों में मतदाताओं को बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है।
उन्हें अपने प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह और पूरा नाम देखना आवश्यक है ताकि वो सही व्यक्ति को वोट दें। मतदाताओं के लिए चुनौती एक जैसे नाम वाले उम्मीदवारों के होने से मतदाताओं के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्हें बहुत ध्यान से मतदान करना होगा ताकि वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सके। चुनाव आयोग भी इस प्रकार की स्थिति में मतदाताओं को सही जानकारी देने के लिए विशेष प्रयास करता है। इस प्रकार के चुनावों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता अपने चुने हुए उम्मीदवारों को ही वोट दें। कई बार उनके नाम के साथ साथ फोटो भी लगाया जाता है ताकि भ्रम की स्थिति ना बने। फिर भी इस चुनावी चाल का असर अक्सर मतदाताओं के फैसले पर पड़ सकता है, खासकर ग्रामीण और कम साक्षर क्षेत्रों में। देखिए, अब मोटी मोटी बात यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस बार न केवल उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबलों के लिए बल्कि समान नाम वाले उम्मीदवारों की अधिकता के कारण भी चर्चा में है। ये चुनावी रणनीति है या महज संयोग, इसका सही जवाब तो 23 नवंबर के नतीजों के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बार मतदाताओं के सामने बड़ी चुनौती होगी। उन्हें अपने प्रत्याशियों को पहचानने और अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के बेहद सतर्क रहना होगा। ऐसे चुनावी हालात में जरूरी है कि मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का नाम, पार्टी और चुनाव चिन्ह ध्यान से देखकर ही मतदान करे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।